क्या पवन की गाना भूलने वाली परफॉर्मेंस टीआरपी के लिए कोई स्टंट था? जी हाँ, जब से पवनदीप राजन की बीती रात परफॉर्मेंस हुई है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जहां एक वर्ग है जो पवनदीप राजन को अभी भी सपोर्ट कर रहा है उसी प्यार के साथ, तो दूसरी तरफ एक वर्ग है जो पवनदीप राजन को नहीं बल्कि सोनी टेलीविजन के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 को बोल रहा है कि ये सब पवनदीप राजन की नहीं बल्कि इंडियन आइडल की कोई चाल है और शायद ये टीआरपी के लिए ही किया गया कोई स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि पवनदीप राजन इतने मंझे हुए कलाकार हैं और गाना भी ऐसा कोई मुश्किल नहीं था, एक बहुत ही सुपर हिट गजल है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, और ये गाना तो पवन को शायद पूरा आता होगा। और इस तरह के गाने में लिरिक्स का भूलना पवन जैसे मंझे हुए कलाकार के लिए मुमकिन नहीं है और शायद ये टीआरपी के लिए कोई स्टंट था, ऐसा सोशल मीडिया का कहना है। तो बता दें कि गलती किसी से भी हो सकती है, पवन खुद भी एक इंसान है, तो इस गलती को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह पवनदीप राजन अब आगे और भी मेहनत के साथ और भी गायकी के साथ आने वाले हैं। क्या आप पवनदीप राजन को सपोर्ट करेंगे? अगर हाँ तो आपकी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब नाउ।